गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशन। इन फर्स्ट टॉपिक ही हैज रिटन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल रिमेंबर द लास्ट इयर्स द नेम ऑफ द चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यू हैड लर्न सम बेसिक रिक्वायरमेंट। ओवर हियर वी विल लर्न सम स्टेप अहेड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो इट इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट वेरिएबल एंड सम ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ईटीसी। तो एक ऐसा हमारे पास टर्म होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा टर्म होता है जिसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आएगा, मल्टीप्लीकेशन भी आएगा, वेरिएबल भी होगा और कॉन्स्टेंट भी होगा। इन सब को लेके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है। अब इसमें एक टर्म है वेरिएबल, इसको समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट्स, वेरिएबल इज एन अननोन नंबर विच कुड हैव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल ऐसा एक नंबर होता है जिसकी अलग अलग नंबर हो सकते हैं, अलग अलग उसकी वैल्यू हो सकती है। इट इज कॉल्ड वेरिएबल एज इट कैन वेरी। अब इस रीजन क्या है, इसको वेरिएबल नाम क्यों दिया है, कि वेरी का मतलब होता है चेंजिंग, होते रहना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आते हैं उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट वेरिएबल। अब वेरिएबल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एक्स, वाई, ए, बी, ई, टी, सी। इन्हें हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स, वाई, ए, बी लिया हुआ है। अब मेन हमारा आ जाता है जो सिंपल इक्वेशन में है। एक्चुअली इक्वेशन क्या है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी समझना। देन इक्वेशन इज अ कंडीशन एंड ऑन अ वेरिएबल, इट सेज दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। तो ये क्या कहता है, इक्वेशन से ही पता चलता है कि यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। कौन से यहाँ पे जो भी हमने लिखा इस साइड की और इस साइड का वैल्यू हमारे पास कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसे ही हम इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा 5x + 7 = 17। तो स्टूडेंट्स देखो, इस पूरे टर्म को कहा जाएगा एक्सप्रेशन, जहाँ 5x + 7, और इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब x के आगे वाला जो टर्म होता है, x के आगे वाला जो टर्म होता है उसे कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये x क्या है, यही आपका है वेरिएबल, जो मैंने कहा था इसकी वैल्यू बदलती रहती है। प्लस मैंने आपको पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था कि यहाँ पे जो भी टर्म आएंगे उनके बीच में प्लस आएगा या फिर सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और इक्वल टू में 17 है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा मिलके एक इक्वेशन को फॉर्म करता है, 5x + 7 = 17। लेट्स अब करते हैं नेक्स्ट वाला इसका फेस। सी टर्म्स, हम पीछे हमने इक्वेशन देखा उसमें टर्म्स किसको कहेंगे, तो 5x एक टर्म है, 7 एक टर्म है और 17 एक टर्म है। माइंड स्टूडेंट्स, इसमें हमें याद क्या रखना है वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमको याद रखनी है, राइट। तो वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव वेरिएबल। जब भी हम देखेंगे हमारे पास, जब भी एक इक्वेशंस होगा उसके अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर एक वेरिएबल हमेशा रहेगा, मतलब एक्स, वाई, ए, बी, सी कुछ भी। लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस का मतलब होता है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द आर एच एस। आर का मतलब राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारे राइट हैंड साइड दी गई वैल्यू के इक्वल में होना चाहिए। एन एक्सप्रेशन डज नॉट हैव इक्वालिटी साइन बट एन इक्वेशन ऑलवेज हैव एन इक्वालिटी साइन। तो क्या डिफरेंस है एक एक्सप्रेशन के अंदर और एक इक्वेशन के अंदर? तो एक्सप्रेशन जब भी लिखा जाएगा तो उसके अंदर इक्वालिटी की साइन नहीं आएगी, वहीं पर जब इक्वेशन लिखा जाएगा तो वहाँ इक्वालिटी की साइन हमेशा होगी। जैसे यहाँ पे इक्वालिटी की साइन है तो ये हमारा कहलाएगा इक्वेशन। इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द आर एच एस और वाइस वर्सा, द इक्वेशन रिमेन्स सेम। देखो, इसको हमने यहाँ लिखा 5x + 7 = 2 और 2 इस साइड ले दिया, इधर चला गया 5x + 7, तब भी इनकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं। अब स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। अब स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सरसाइज, दैट इज 4.1। तो चलो हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 4.1। लेकिन 4.1 करने से पहले स्टूडेंट्स, हम करेंगे हमारे बुक की दी हुई एक्सरसाइज, ओके।
रेफरेंस ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करनी है और इसको पेंसिल से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पेंसिल से ही करें। इक्वेशंस वैल्यू से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो, तो ये थ्री को आप यहाँ रखिए स्टूडेंट्स, इस थ्री को यहाँ रखो, थ्री प्लस थ्री क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे नो लिखोगे, क्या लिखोगे नो लिखोगे, क्यों, ये थ्री को आप कहाँ रखोगे यहाँ पे, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, सिक्स इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों साइड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसमें देखो x इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस थ्री क्या आएगा थ्री इक्वल टू जीरो, तो थ्री कभी जीरो के इक्वल में नहीं हो सकता, इसमें भी हम क्या लिख देंगे नो लिखेंगे। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री, जैसे ही आप यहाँ माइनस थ्री रखेंगे माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो आप लिखोगे यस। नेक्स्ट x की जगह सेवन रखेंगे, सेवन माइनस सेवन क्या हो जाएगा जीरो, जीरो इक्वल टू वन, मतलब जीरो और वन क्या दोनों सेम है, नहीं दोनों अलग है, तो आप क्या लिखोगे इट डजंट सेटिस्फाइड, मतलब ओ नो लिख दोगे, क्या लिख दोगे नो। वैसे स्टूडेंट यहाँ x इक्वल टू एट है, यहाँ रखोगे एट माइनस सेवन क्या आएगा वन, वन इक्वल टू वन, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो यस हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू यहाँ जीरो रखोगे फाइव इंटू जीरो, तो ये जीरो यहाँ ट्वेंटी फाइव, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैंने सिक्स तक क्वेश्चन करवाया, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स यू हैव टू डू योर सेल्फ। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर टू। ओके स्टार्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज रिटन, चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नोट। हमें बताना है कि n इक्वल टू वन यहाँ रखते हैं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है या नहीं। तो यहाँ n प्लस फाइव इक्वल टू नाइनटीन है और हमें क्या रखना है n इक्वल टू वन इन LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ हम प्लेस करेंगे। तो वन प्लस फाइव एन की जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया, वन, वन प्लस फाइव क्या होता है सिक्स, एंड दैट इज डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, वो 19 के इक्वल में नहीं है, आर एच एस के इक्वल में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, दस एन इक्वल टू वन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, सेवन नाइन प्लस फाइव, व्हाट इज रिटन, सेवन नाइन प्लस फाइव, तो n की जगह कितना प्लेस करना है माइनस टू प्लेस करना है, सॉल्यूशन सेवन नाइन प्लस फाइव इक्वल टू नाइनटीन, और n की जगह क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन, माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन प्लस फाइव क्या हो जाएगा माइनस फोर्टीन प्लस फाइव, आंसर आएगा माइनस नाइन, तो माइनस नाइन जो आया वो 19 के इक्वल में नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 19 इक्वल टू आर एच एस, सिंस लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, दस एन इक्वल टू माइनस टू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सी, सेवन सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेवन एन प्लस फाइव इक्वल टू नाइनटीन और एन इक्वल टू क्या गिवन है टू, मतलब एन इक्वल टू टू रख के हमें चेक करना है, पुट एन इक्वल टू इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो सेवन एन की जगह टू रख दो, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन प्लस फाइव कितना होगा नाइनटीन, दैट इज इक्वल टू नाइनटीन ऑफ आर एच एस, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस, दस एन इक्वल टू टू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब डी क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, फोर पी माइनस थ्री इक्वल टू थर्टीन और पी इक्वल टू गिवन वन, पुट पी इक्वल टू वन इन लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हम पी की जगह क्या रखेंगे वन रखेंगे, तो फोर वन जा फोर, फोर माइनस थ्री क्या आएगा वन आएगा, एंड वट डज नॉट इक्वल टू थर्टीन, वन जो है थर्टीन के इक्वल में नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, दस पी इक्वल टू वन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ई और एफ क्या होगा होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और मेथड कौन सी है, ट्रायल एंड मेथड, जैसा नाम है वैसा ही काम है, हम ट्राई करेंगे वैल्यू रख रख के चेक करेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो स्टार्ट करें यहाँ पे, फाइव पी प्लस टू इक्वल टू सेवनटीन दिया है, पी इक्वल टू वन हम लोग पुट कर देते हैं एल एच एस के अंदर, तो फाइव वन जा फाइव प्लस टू सेवन, दैट डज नॉट इक्वल टू सेवनटीन आर एच एस, फिर फोर पी इक्वल टू टू, पी की जगह टू रख देंगे, फाइव टू जै टेन प्लस ट्वेल्व, डज नॉट इक्वल टू सेवनटीन आर एच एस, फोर पी इक्वल टू थ्री लेफ्ट हैंड साइड, फोर पी प्लस थ्री, फाइव थ्री जै फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन, दैट इज इक्वल टू सेवनटीन आर एच एस, सिंस द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर पी इक्वल टू थ्री, दस पी इक्वल टू थ्री इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट दैट यू हैव टू डू इन होमवर्क। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर रेस्ट ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन।
थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।